मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी, बिल्कुल हलवाइयों के जैसी खस्ता कचौड़ियाँ। फ्रेंड्स, ये आलू प्याज की कचौड़ियाँ हैं जो हम हलवाइयों के यहाँ पर जाके खाते हैं, बिल्कुल वैसी खस्ता क्रिस्पी कचौड़ी मैंने घर पर बनाई है। तो आप इनको दही के साथ या टमाटो सॉस के साथ किसी के साथ भी खा सकते हैं, ये बच्चों में सभी को बहुत पसंद आएगी। या आपके यहाँ पर कोई फेस्टिवल है तब भी आप इनको बना सकते हैं, आपको चटपटा खाने का मन कर रहा है तब भी आप इनको बना सकते हैं। तो चलिए झटपट से इन हलवाइयों के जैसी कचौड़ियों को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले डो लगाएंगे। तो हम एक बर्तन ले लेते हैं और ये मैंने यहाँ पर एक कटोरी मैदा ले ली है, मैदा इसमें डाल देते हैं। और एक कटोरी मैंने यहाँ पर ये गेहूं का आटा ले लिया है, आटा इसमें डाल देते हैं। मैं दोनों चीजें यहाँ पर बराबर डाल रही हूँ। आप चाहे तो अकेले मैदा से बना सकते हैं, आप चाहे तो अकेले गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। जो लोग मैदा नहीं खाते हैं वो केवल गेहूं के आटे से इसको बनाएं। अब हम इसमें 1/4 चम्मच नमक डाल देते हैं और 2 चम्मच हम इसमें ये ऑयल डालेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 कटोरी आटे का यूज किया है तो मैं यहाँ पर 2 चम्मच ऑयल ले रही हूँ। और 1 चम्मच भर के हम इसमें ये दही डाल देते हैं। दही से जो हमारा नाश्ता है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। आप एक बार इस तरह से जरूर बना के देखें। तो मैंने यहाँ पर आटा थोड़ा कम ही लिया है तो उसके हिसाब से मैंने 1 चम्मच डाला है। अगर आप ज़्यादा डो लगा रहे हैं, घर में ज़्यादा सदस्य होते हैं, तो उसके हिसाब से आप इसमें 2-3 चम्मच दही डाल सकते हैं। अब हम इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने सारी चीजों को मिक्स कर लिया है। अब हम इसका डो लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर ये 1 कप पानी ले लिया है, इसमें से हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। एक साथ पूरा पानी नहीं डालना है क्योंकि हमने इसमें दही डाला है, तो पानी उसी हिसाब से डालें। और इसका थोड़ा सा टाइटली डो लगाएंगे। पूड़ियों के जैसा ही हमें इसका डो लगाना है। तो इस तरह से हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। तो देखिए इस तरह से आटा गूंथ गया है। अभी आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे क्रैक्स दिख रहे हैं। तो अभी हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए इसी तरह से मस लेंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट चिकना हो जाए, यानी कि जो भी इसमें क्रैक्स दिख रहे हैं वो सारे इसमें से हट जाए, इतना हम इसको मस लेंगे। तो जितना अच्छे से हम इसको मसल लेंगे उतनी अच्छी हमारा नाश्ता बनेगा, बहुत ही बढ़िया बनेगा। और इसमें बहुत ही कम पानी का यूज हुआ है। देखिए मैंने 1 कप पानी लिया था, सिर्फ 2 से 3 चम्मच के करीब पानी इसमें यूज हुआ है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 3 से 4 मिनट तक इसको अच्छे से मसल लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट डो बन चुका है। तो अभी हम इसको कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि अच्छे से सेट हो जाए। जब तक ये सेट हो रहा है जब तक हम इसके लिए स्टफिंग बना के तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और ये मैंने यहाँ पर 4 बड़े साइज के आलू ले लिए थे जिनको मैंने बॉइल्ड करके इस तरह से मैश कर लिया है। तो आलूओं को हम इसमें डाल देंगे। 1 बड़े साइज का मैंने यहाँ पर ये प्याज लिया है, प्याज को मैंने यहाँ पर बारीक चॉप किया है। ध्यान रहे प्याज को हमें बारीक चॉप करके डालना है इसमें। 1 अदरक का टुकड़ा लिया है जिसको मैंने इस तरह से कद्दूकस कर लिया है, ये इसमें डाल देते हैं। 2 बारीक कटी हुई मैंने यहाँ पर हरी मिर्चें ली हैं, ये इसमें डाल देते हैं। और थोड़ी सी धनिया की पत्तियाँ ली हैं, धनिया की पत्तियाँ थोड़ी सी मैंने यहाँ पर ज़्यादा ले ली हैं, आप चाहें तो कम भी कर सकती हैं। 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे और 1/2 चम्मच हम इसमें गर्म मसाला डालेंगे। और 1/3 चम्मच मैंने यहाँ पर सौंफ ली है, ये इसमें डाल देते हैं। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, तो आप इसको जरूर डाल के देखें। अगर आपके पास सौंफ का पाउडर है तो वो भी डाल सकती हैं। और 1/3 चम्मच जीरा डालेंगे और 1/2 चम्मच नमक डाल देते हैं। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और ये मैंने यहाँ पर 1 चम्मच के करीब कसूरी मेथी ले ली है, ये इसमें डाल देते हैं। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है बट इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकती हैं। और अब हम इन सभी चीजों को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेते हैं और स्टफिंग बना के हम तैयार कर लेंगे इसी तरह से इसको मिक्स करते हुए। जो आलूओं के बड़े बड़े टुकड़े हैं उनको हम अच्छे से इसमें मैश कर देंगे। तो यहाँ पर मैदे को रखे हुए 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए कितने बढ़िया से अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, बहुत ही बढ़िया सेट हुई है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा और इस तरह से कुछ सेकंड्स के लिए मसल लेते हैं ताकि और भी ज़्यादा सॉफ्ट चिकनी हो जाए। ये देखिए इस तरह से
तो अब हम इसमें से एक बड़ा पोर्शन ले लेते हैं, क्योंकि अब हम इसमें से लोइया बनाएंगे। तो इस तरह से पहले हम इसको थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं। अब हम इसमें से इस तरह की नींबू के आकार की छोटी छोटी हम लोइया बना लेते हैं, बिल्कुल पूड़ियों की तरह हम इसकी लोइया बनाएंगे इस तरह से। तो इसी तरह से हम सारी लोइयों को बना लेते हैं। तो इस तरह से मैंने सारी लोइयां तोड़ लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इस तरह की एक लोई ले लेंगे, इसको हम हाथ से थोड़ा सा इस तरह से प्रेस करेंगे और इस तरह से हम इसको थोड़ा सा चौड़ा कर देते हैं। इस तरह से हम स्टफिंग का एक थोड़ा सा गोला बना लेते हैं और इस तरह से हम इसको बीच में रख देंगे और गोले को अच्छे से हम इसमें कवर कर देते हैं इस तरह से, ताकि जो स्टफिंग है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलनी चाहिए। अच्छे से हम इसको कवर कर देंगे, इस तरह से हम इसको प्रेस कर देते हैं। इस तरह से हम थोड़ा सा गोल इसको घुमा देंगे और इसको हम थोड़ा सा इस तरह से प्रेस कर देंगे, जो बिल्कुल हलवाइयों की जैसी जो मार्केट में कचौड़ियाँ मिलती है ना, बिल्कुल वैसी ही कचौड़ी इसकी बन के तैयार होगी, बिल्कुल खस्ता क्रिस्पी बहुत ही ज़्यादा। देखिए हमें इसमें बिल्कुल चकला बेलन की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से हम इससे हाथ से इसको बना लेंगे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया शेप आई है इस तरह से। इसी तरह से हम दूसरी बना लेते हैं। तो इसी तरह से हम इसको हाथ से थोड़ा सा चौड़ा कर देंगे, ये देखिए इस तरह से इक्वली थोड़ा सा इस तरह से हथेलियों से, और इस तरह से स्टफिंग का गोला जैसा बना लेंगे, इसमें अच्छे से इसको अंदर दबा देंगे। इसको बहुत ही आसानी से बन जाती है, बहुत ही कोई बच्चा भी बना लेगा, इतनी सिंपल है इसको बनाना। इस तरह से इनको थोड़ा सा घुमाते हुए, बट इसकी जो स्टफिंग है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलनी चाहिए, अच्छे से हम इसको कवर कर देंगे। नहीं तो क्या हुआ, जब हम इसको ऑयल में फ्राई करेंगे तो डालते ही फट जाएंगे, तो सारा ऑयल हमारा ख़राब हो जाएगा। बस अच्छे से इनको हम कवर कर देंगे। देखिए इस तरह से हाथों से प्रेस कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि मोटी ज़्यादा ना रहें। ये देखिए, तो इसी तरह से हम सारी बना बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर सारी कचौड़ियों को बना लिया है, ये देखिए बहुत ही बढ़िया बनी है। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ, इनको फ्राई कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर गैस ऑन करके कढ़ाई में ऑयल को गर्म करने की रख दिया था। आप देख सकते हैं ऑयल थोड़ा सा गर्म हो चुका है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा डो डाल के इसको चेक करेंगे। देखिए इस तरह का हम छोटा सा एक टुकड़ा डालेंगे। देखिए आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसमें टुकड़ा डाला है वो झट से ऊपर आ गया, यानी कि ऑयल हमारा अच्छे से गर्म है। तो जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा उसके बाद हम गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देते हैं और स्लो फ्लेम पे ही हम अपनी कचौड़ियों को डालेंगे। तो जिस साइड से मैंने इनको अच्छे से फोल्ड किया था ऊपर से, उनको हम नीचे करेंगे। तो एक बार में जितनी आ जाए आप उतनी डाल दें इसमें, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ही हमें इनको सेकना है। तभी जो बाजार में जो कचौड़ियाँ मिलती है ना, आप उनका जो कलर देखते हैं बहुत ही बढ़िया गोल्डन ब्राउन का, बिल्कुल वैसा ही इसका कलर आएगा। तो गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दें और पहले हमें इसको थोड़ा सा एक मिनट के लिए सिकने देते हैं, उसके बाद हम इसको पलटेंगे। तो एक मिनट के बाद अब हम इनको पलट देते हैं। तो हम इनको हर एक एक मिनट में इनको अलटते पलटते रहेंगे। इससे क्या हुआ कि इसका जो कलर है वो अच्छे से दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन का अच्छे से हो जाएगा और दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाएंगे। तो इसी तरह से हम इनको पलटते पलटते रहेंगे। तो ये देखिए जो हमारी कचौड़ियाँ हैं काफ़ी अच्छे से दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन की हो गई हैं, बहुत ही प्यारा सा इनमें कलर आ गया है। तो अब हम इनको इसमें से निकाल देते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं इनका जो कलर और इनका जो ऊपर से आप इसको टेक्सचर देख सकते हैं कितना बढ़िया आया है। और इस तरह से जब हम इनको झड़ाएंगे, ये देखिए आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनी है। तो इस तरह से हम इनको झड़ाते हुए निकालेंगे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया लग रही है देखने में। तो इसी तरह से हम बाकी की बची हुई कचौड़ियों को भी सेक लेंगे। कचौड़ियाँ भी हमारे दोनों साइड से काफ़ी अच्छे से गोल्डन ब्राउन की हो चुकी हैं, बहुत ही प्यारा सा इन पर भी कलर आ गया है। तो अब हम इनको भी निकाल देते हैं। ये देखिए कितनी ही प्यारी लग रही है देखने में। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर सारी कचौड़ियों को सेक के तैयार कर लिया है। ये देखिए
कितनी ही टेम्पटिंग लग रही है देखने में, बिल्कुल हलवाइयों के जैसी दिख रही हैं ये देखिए। तो अब मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए इसकी आप आवाज़ सुनिए, ये देखिए वाओ, ये देखिए अंदर से कितनी ही टेम्पटिंग लग रही हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी हैं। बिल्कुल जिस तरह से हम मार्केट में आलू प्याज की जो कचौड़ियाँ खाते हैं, बिल्कुल वैसी हमारी ये कचौड़ियाँ बन के तैयार हुई हैं, ये देखिए। तो आप भी एक बार इन कचौड़ियों को जरूर ट्राई करें, आप इनको टमाटो सॉस के साथ, आप इनको दही के साथ, जैसे चाहे आप इनको खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी रेसिपी को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।